हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद, जी दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा में इलेक्शन तारीख की घोषणा हो चुकी है विधानसभा चुनाव की। और 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से यहां पर मतगणना शुरू होनी है और 4 अक्टूबर को आपके जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के। उसी से रिलेटेड दोस्तों ये HSSC से भी जुड़ी हुई खबर है। HSSC भी एक्शन मोड में आ गई है। ये बड़ी खुशखबरी आई है जी दोस्तों। क्या अपडेट आई है हम आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए दोस्तों ये खबर, ये देखिए HPSC HSSC रिजल्ट जारी कर सकते हैं, नियुक्ति दी जा सकती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते पुरानी चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन सूची जारी कर सकता है, मगर नए पदों पर कोई भी ज्ञापन जारी नहीं कर सकते। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। यानी जो पुरानी भर्तियां आपकी चली हुई हैं, उनकी जो भी मामले अटके पड़े हैं आपके, वो पूरे किए जा सकते हैं HSSC के द्वारा। और कोई नई भर्ती अब नहीं आने वाली है। ये देखिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारियों को लगता जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। दोस्तों मेन खबर है जो ये है कि आपका जो नियुक्ति है HSSC रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो शुरू हो सकती है। धन्यवाद। जय जय भारत।